हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पेरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, आज हम पाल शैली और अपभ्रंश शैली जो हमने आपको पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे प्रश्न बन रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी करें। ठीक है, और ताकि मेरे हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? तो पाल शैली में जो मुख्य विषय रहा है वह है आपका बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, क्या है? बौद्ध धर्म। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? दोस्तों, तो पाल शैली के संरक्षक थे पाल शासक थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? पाल शासक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा हमारा, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किसने कहा था? दोस्तों, वो कहा था आनंद कुमार स्वामी जी ने। ठीक है, कौन कहा था? आनंद कुमार स्वामी जी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। तो जैन चित्रकला के जो प्रसिद्ध स्रोत है दोस्तों, वो है कल्प सूत्र। ठीक है, कल्प सूत्र है। ठीक है दोस्तों, कल्प सूत्र जो संबंधित है किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, कल्प सूत्र जो संबंधित है वह है आपके जैन धर्म से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? तो लघु चित्रों की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वह हुई थी पाल वंश के शासकों द्वारा। ठीक है, वहाँ से लघु चित्रों की शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? तो दोस्तों, जो लघु चित्र बनाए गए थे वो बनाए गए थे ताड़ पत्र पर। ठीक है, किस पर बनाए गए थे दोस्तों? ताड़ पत्र पर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम में बनी? दोस्तों, जो सचित्र पुस्तकें जो बनी थी दोस्तों, वो बनी थी आपके, तो कहाँ पर बनी थी? वो बनी थी कागज पर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर बनी थी? कागज पर बनाई गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? तो पोथी चित्रण का जो प्रारंभ हुआ दोस्तों, वो हुआ है पाल शैली से। कहाँ से हुआ है? पाल शैली से हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो पाल पोथी चित्रों का दोस्तों मूल जो मुख्य विषय है वो बुद्ध का जीवन चरित्र। ठीक है, बुद्ध का जीवन चरित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है देख लेते हैं दोस्तों, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो पाल चित्रकला दोस्तों, वो है मुख्यतः बंगाल की। ठीक है दोस्तों, बंगाल की। दोस्तों, वैसे पाल चित्रकला बंगाल, बिहार, नेपाल, ये तीनों जगह पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः आपका जो है कहाँ है? बंगाल की है। ठीक है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से हुई है? तो दोस्तों, जो लघु चित्रों की जो परंपरा है वो हुई है उत्तर मध्य काल या प्राकृतिक से। ठीक है, पाल शैली के चित्र होते थे? तो पाल शैली के चित्र दोस्तों क्या कैसे होते थे? वो पोथियों पर बनाए जाते थे। पोथियाँ किसकी बनी होती थी? तो ताल पत्रों द्वारा बनाई जाती थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? तो बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक जो चित्र है दोस्तों, वह है पाल शैली का। ठीक है, पाल शैली का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों क्या कह रहा है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्प सूत्र की एक प्रति कहाँ से 1924 ईस्वी में प्राप्त की थी? तो दोस्तों, ये इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये बर्लिन संग्रहालय से प्राप्त की थी। कौन? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्प सूत्र की। ठीक है, 1924 ईस्वी में। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन लघु चित्रों का मुख्य विषय क्या है? दोस्तों, जैन लघु चित्रों का जो मूल विषय रहा है दोस्तों, वह रहा है तीर्थंकर और उनकी जीवनियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, विक्रमशिला जो महाविद्यालय की स्थापना की थी वो धर्मपाल ने करी थी। ठीक है, कौन किया था? धर्मपाल ने किया था। ठीक है, किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? तो वो किस चित्रशैली में किया गया था? तो वो जैन शैली में किया गया। ठीक है, जैन चित्र कागज पर कब बने? तो जैन चित्र कागज पर बने थे 15वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, कब बने थे? 15वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है? अपभ्रंश चित्रों का दोस्तों क्या विषय है? जैन धर्म से संबंधित है।
खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण की शैली हुआ है। दोस्तों खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का जो अलंकरण हुआ है आपके अपभ्रंश शैली में, ठीक है, अपभ्रंश शैली में हुआ है। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है देख लेते हैं, जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है। दोस्तों तो जैन लघु चित्रों की जो विशेषता रही है दोस्तों, परली आंखों का दिखना, ठीक है, परली आंखों का दिखना इसकी मुख्य विशेषता रही है जैन शैली। ठीक है, जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु क्या है दोस्तों, तो यह महावीर का जन्म चरित्र, ठीक है, ये इनका प्रमुख विषय रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है, तो परली आंख है वो हमारा अपभ्रंश यानी जैन शैली से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न जो है क्या कह रहा देख लेते हैं। अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे बने होते थे, तो कैसे बने होते थे दोस्तों, वो सवा चश्मे के जो चेहरे बने होते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं, ऐसा रंग प्रयोग किए गए हैं दोस्तों, ये किए गए हैं लाल रंग का प्रयोग आपका हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर संस्थापक थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव, और 24वें जो अंतिम तीर्थंकर है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम महावीर स्वामी है। ठीक है, ये अंतिम तीर्थंकर हैं 24वें नंबर के। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करा, जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है, तो दोस्तों पार्श्वनाथ जो है उनको दिखाया गया है नीला रंग से। ठीक है दोस्तों, नीले रंग से पार्श्वनाथ। इसके अलावा थोड़ा एक पॉइंट और देख लेते हैं दोस्तों, जो और भी तीर्थंकर है उनके लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है। जैसे दोस्तों आपके जो नेमिनाथ हैं, नेमिनाथ का जो आकृति है उसमें काला रंग का प्रयोग किया गया है, और महावीर के लिए कौन सा रंग प्रयोग किया गया दोस्तों, पीला रंग प्रयोग किया गया है महावीर के लिए। ठीक है, महावीर के लिए पीला रंग का प्रयोग किया गया है, और ऋषभनाथ जो तीर्थंकर हैं उनके लिए स्वर्ण रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, स्वर्ण रंग का प्रयोग किया गया। ठीक है, और जो एक पार्श्वनाथ, ये तो अभी हमने पढ़ा कि ये नीले रंग के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, जैन शैली में जो बने जो चित्रों में अधिकतर जो किस रंग का प्रयोग हुआ है, वो अधिकतर पीले रंग का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, कौन सा रंग, पीले यानी येलो रंग का प्रयोग किया गया। ठीक है, अधिकांश। ठीक है दोस्तों, जो जैन धर्म के अनेक जो तीर्थंकर हैं इनको जैन पोथी जो एक है कालकाचार्य कथा में चित्रित किया गया। ठीक है, किसमें चित्रित किया गया दोस्तों, इन सारे तीर्थंकर को किसमें चित्रित किया गया है, तो कालकाचार्य में जो ग्रंथ है जैन धर्म से संबंधित कथा में, इसमें क्या किया गया है, सभी तीर्थंकरों को चित्रित किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा, जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है, तो दोस्तों जैन धर्म से संबंधित जो प्रथम गुफा हमको मिला था वो है चित्तलवासल की गुफा। ठीक है दोस्तों, चित्तलवासल की गुफा आपके जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने होते हैं दोस्तों, तो अपभ्रंश शैली में जो अंग प्रत्यंग बने थे दोस्तों, वो बने थे स्थिरता और अकड़न भरा बने होते थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है अपभ्रंश शैली में, तो दोस्तों अपभ्रंश शैली अगर कहे, अब थोड़ा देखिए दोस्तों, जैन शैली और अपभ्रंश शैली थोड़ा अलग है। ठीक है, तो अपभ्रंश शैली में क्या आपका सुनहले रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ। ठीक है, सुनहले रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। धीमान और वित्तपाल किस शैली के मुख्य कलाकार हैं, तो दोस्तों धीमान और वित्तपाल जो हैं ये आपके पाल शैली के कलाकार चित्रकार हैं। ठीक है, पाल शैली के चित्रकार हैं। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों देख लेते हैं, पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं, तो पाल शैली के जो दोस्तों चित्र हैं वो बने हैं हमारे कहाँ, बंगाल बिहार और नेपाल। ठीक है, ये तीन जगह ये पाए हुए मिलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, पाल शैली की पोथियों के पत्रों की माप क्या होती थी दोस्तों, तो पाल शैली पत्रों की माप क्या होती थी, अब देखिए 22x2 का आपका इसकी माप होती थी। ठीक है, इसको याद रखे रहिए, पाल शैली के चित्रों की पत्रों की माप। ठीक है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है, तो दोस्तों देख लेते हैं, पाल शैली का नहीं है वो बताना है, प्रज्ञा पारमिता ये आपका पाल शैली का है, गंधर्व्यूह ये भी, साधना माला ये भी आपका पाल शैली का, लेकिन चक्रव्यूह आपका पाल शैली का नहीं है। ठीक है दोस्तों, चक्रव्यूह आपका पाल शैली का नहीं है। ठीक है, किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है, तो दोस्तों स्वर्ण रंगों का जो प्रयोग नहीं मिलता है वो किसमें, पाल शैली में नहीं मिलता। ठीक है,
पाल शैली में नहीं मिलता। ठीक, जबकि सुनहले रंगों का जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा अपभ्रंश शैली में मिलता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है, पुस्तक शैली के नाम से, तो अपभ्रंश शैली को ही पुस्तक शैली कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश शैली को पुस्तक शैली कहा जाता है। चौर पंचासिका के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो चौर पंचासिका के रचनाकार हैं वो बिल्लड़। ठीक है, बिल्लड़ है। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली 1467 की कल्प सूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है, तो ये सुरक्षित है बड़ौदा के नरसिंह जी के पुल को ज्ञान मंदिर में, किसमें, ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हो गई थी, दोस्तों वो हुई थी पावापुरी की मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए, दोस्तों त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक लिखे गए थे वो ताड़ पत्रों पर। ठीक है, ताड़ पत्रों पर लिखे गए थे। ठीक है, त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैसे अभिधम्म त्रिपिटक, विनय त्रिपिटक और एक और होता है इसको बोलते हैं, अगला जो हमारा पिटक है वो क्या है, शुद्ध पिटक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर हमारा, बौद्ध पुस्तकें लिखी गई, तो बौद्ध पुस्तक किसमें लिखी गई, तो ये ताड़ पत्रों पर लिखी गई। ठीक है, पाल चित्रकला की शैली आधारित है, तो पाल चित्रकला की जो शैली आधारित है किस पर, बुद्ध के जीवन पर। ठीक है, उन पर आधारित है। ठीक, पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं, तो पाल पोथियाँ लिखी गई हैं आपके बंगाल और बिहार क्षेत्र में। ठीक है, पाल पोथियाँ किस पर लिखी गई दोस्तों, तो पाल पोथियाँ जो लिखी गई वो ताड़ पत्रों पर लिखी गई हैं। ठीक, पाल पोथियाँ किस धर्म संबंधित है, तो पाल पोथियाँ संबंधित है वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न मैं क्या कह रहा, 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों की शैली, चित्र शैली का उपयुक्त नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, अपभ्रंश शैली। ठीक है, जो 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों की थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा, कल्प सूत्र की प्रति कब के समय है, 1465 के लिपिकार कौन थे, तो इसके लिए पिकार हैं देवीदास गौण। कौन है, देवीदास गौण। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं, तो दुर्गा सप्तशती के चित्र हैं तो ये अपभ्रंश शैली के हैं। ठीक है, अपभ्रंश शैली के हैं। गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं, तो जो गीत गोविंद के जो चित्र बनाए गए हैं तो दोस्तों वो है आपका अपभ्रंश शैली के। ठीक है, अपभ्रंश शैली के। लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किससे, किसने बनवाए, तो लेपाक्षी मंदिर तथा उसके जो भित्ति चित्र बनवाए थे वो बनवाए थे आपके अच्युत देव ने बनवाया था। ठीक है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई, तो यह भारत के पूर्व में क्या हुई, विकसित हुई। ठीक है, चौर पंचासिका किसके द्वारा लिखी गई, तो चौर पंचासिका जो है आपका बिल्लड़ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा, बिल्लड़ के द्वारा लिखी गई है। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करते हैं, तो दोस्तों वो कौन सा है, तो यह विनय पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में क्या, मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित किया गया आकृतियों का अस्तित्व वर्णन करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हमने इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको देख लिया है। दोस्तों अगर आप PDF वगैरह चाहते हैं, नोट्स वगैरह चाहते हैं, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, ताकि हमारे वीडियो का जो भी कंटेंट है लोगों को पता चले। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।